हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेंटिंग करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक। तो अगर आपको भी पेंटिंग नहीं आती है तो आप भी इसे बहुत अच्छे से पेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पेंट किया है। तो मैंने पेंट की है ये एक बेडशीट, ओके। एंड मैंने इसमें ये देखिए बहुत ही सुंदर सी बटरफ्लाइज बनाए हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको पेंट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक ही फोम का पीस, आप देख पा रहे हैं, छोटा सा फोम का पीस चाहिए होगा। उसके बाद मुझे चाहिए ये एक्रेलिक कलर, ओके। मैंने रेड कलर में लिया है क्योंकि मुझे रेड कलर में बटरफ्लाइज बनाने हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस वुडन ब्लॉक, ओके। सो ये वुडन ब्लॉक आपको अमेजोन पे बहुत ईजिली मिल जाएगा। मैंने ये केरला से लिया था, मैं जब केरला गई थी घूमने, बट आपको ये अमेजोन पे बहुत ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे पेंट कैसे लगाना है, इस पेंट कैसे पेंटिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक हार्ड सरफेस पे 3 पुराने बेडशीट्स बिछा लिए हैं कि थोड़ा सा वो थिक हो जाए, एंड उसके ऊपर मैंने न्यूज़पेपर लगा लिया है कि जिससे जब मैं पेंटिंग स्टार्ट करूँगी तो वो बेडशीट पे ना आए। तो गाइस, अब मैं इसमें फोम में थोड़ा सा कलर ऐसे लेके फिर मैं इस ब्लॉक पे अच्छे से कलर लगाऊंगी पहले। तो आपने देखा कितना इजी था इसे बनाना। इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, कुशन कवर्स, कर्टेंस, बेडशीट्स, टेबल मैट्स, टेबल रनर्स और बहुत कुछ। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, फटाफट ये घर में बन भी जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ भी बनाने से पहले उसे धो लीजिएगा एंड उसे प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद ही उस पर कुछ बनाइएगा। एंड बनाने के बाद आफ्टर 24 आवर्स फिर से उसे ऑपोजिट साइड से प्रेस कर लीजिएगा, तो आपका कलर हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा, कभी भी ये खराब नहीं होगा और आप इसे आराम से फिर धो सकते हैं, बट ये कभी भी आपका पीस खराब नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून।